अज्ञात बदमाशों ने किराना संचालक के साथ मारपीट कर हजारों की नकदी लूटकर हुए फरार। शिकारपुर नगर में नहीं थम रही हैं लूट की वारदातें। अज्ञात बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी के बाद किराना संचालक को बनाया अपना शिकार। नगर में दिन दहाड़े हजारों की लूट की घटना से शिकारपुर नगर में मचा हड़कंप। बुलंदशहर शिकारपुर नगर में लूट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब से कुछ दिन पहले एक सर्राफा व्यापारी से अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर लाखों की सोने चांदी की लूट को अंजाम दिया था, जिसका शिकारपुर पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। नगर में सर्राफा व्यापारी से हुई लूट का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि अज्ञात बदमाशों ने आज फिर दिन दहाड़े शिकारपुर नगर के पहासू अड्डे पर एक किराना संचालक सहित मारपीट कर हजारों की नकदी लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना से शिकारपुर नगर में हड़कंप मचा हुआ है तथा दुकानदारों में दहशत का माहौल है। शिकारपुर नगर में बदमाशों के हौसले बुलंदी पर हैं। लूट की एक और वारदात को अंजाम देकर शिकारपुर पुलिस को बदमाशों ने खुली चुनौती दी है। लूट की इस वारदात से ऐसा लगता है बदमाशों के अंदर अब पुलिस का खौफ ही नहीं रहा है। नगर के दुकानदार अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, क्योंकि नगर की यह दूसरी लूट है। आज एक और लूट की वारदात को अंजाम देकर अज्ञात बदमाशों ने शिकारपुर के नवागत कोतवाली प्रभारी को खुली चुनौती दी है। इरशाद मलिक, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। पाँच बंदे आए थे और अपने जो भी हथियार थे डंडे जो थे उनके साथ में, और आने के बाद मेरे से बोले हाँ भाई बाहर निकल। और उन्होंने मैंने लगा कि क्या बात है बता, इसने तो मैंने मारपीट चालू कर दी। और मारपीट चालू करते करते दो बंदों ने मैं घेर लिया और बाकी मेरा जो गले से जो कैश था वो बरामद कर लिया। नहीं मैं नहीं जानता उन्हें, नहीं शटर बंद नहीं हुआ था, लेकिन एक छोटा वाला शटर थोड़ा सा गिर गया था नीचे, पता ना कैसे गया मुझे नहीं पता। बाद में मुझे ग्रह मिला करी थी, बाकी सामान कुछ नहीं, भाई गले से 35,000 रुपये के समथिंग थे, कुछ मैंने कैश में शाम को दे दिए थे, 35,000 रुपये थे मेरे को लगभग समथिंग। ये समथिंग ऐसी 11 बजे की समथिंग की बात है, 10-11 बजे दे दी चित्रकला स्टोर धीरे जी बोर्ड शनो जो भी जी अज्ञात भाई। नहीं किसी को लड़ाई नहीं, दंगा नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं।